आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कॉलेज के रीओपनिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लें कॉलेज ओपन क्यों नहीं हो पा रहे। तो इसका सिंपली आंसर ये है कि कोविड के बढ़ते ग्राफ की वजह से जो हमारा कॉलेज है ओपन नहीं करे जा रहे। लेकिन अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन थी उसमें क्लियर बता रहा है कि स्टेट के पास परमिशन है, वो चाहे तो अपना कॉलेज खोल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा हो, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। यहाँ पर देखो यार, स्टेट के पास परमिशन है और यूजीसी की गाइडलाइंस जो होती है फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर यार क्या हो रहा है कि कोई भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहता। अगर यहाँ पर स्टेट जो है वो अगर अलाउ कर दे और यूजीसी चुप रहे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आगे चलने के बाद कोई स्टूडेंट अगर कोविड के अंडर आ जाता है या फिर स्टूडेंट है वो कोविड के अंडर आ जाते हैं, तो यार जो सवाल पूछे जाएंगे वो स्टेट से पूछे जाएंगे, ठीक है। और वही अगर यूजीसी ले ले डिसीजन, तो जो आगे चल के कुछ गड़बड़ियां होंगी वो किससे पूछे जाएंगे, यूजीसी वाले बंदों से पूछे जाएंगे। तो इसी के चलते क्यों जो डिसीजन है वो कोई ले नहीं रहा। और यही चीज हमें देखने को मिलता फाइनल सेमेस्टर में, जो हमारा पोस्टपोन हो रहा था एग्जाम और फाइनल ईयर वालों का बंदों का हो रहा था एग्जाम, तो उसमें यही चीज चल रही थी। कभी यूजीसी से अपना डिसीजन नहीं ले रही थी और स्टेट अपना डिसीजन नहीं ले रही थी। इसी की वजह से जो टाइम ड्यूरेशन हुआ था हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो यार मैं आपको ये बता दूं, कुछ कॉलेजेस जो है गाइडलाइंस के मुताबिक खुल रहे हैं, जैसे हरियाणा में खुल रहे हैं और बांग्लादेश में। लेकिन यार ये एक ट्रायल के हिसाब से खुल रहे हैं। 26 अक्टूबर से खुल जाएंगे कॉलेजेस, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से खुलेंगे। और मैं यहाँ पर ये बता दूं, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर मैं बता दूं अनलॉक 5 में जो गाइडलाइंस है वो स्टेट के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर शो हो रहा होगा कि दिल्ली के स्टेट में कॉलेजेस खुलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड का ग्राफ है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो यहाँ पर अभी तो कॉलेज नहीं खुलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता खुल जाए। अगर यार यहाँ पर मैं बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एडमिशन अपना लिया है कॉलेज में, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि उनकी अभी ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगाई जा रही है। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, उनका अपना डिसीजन होता है। लेकिन गवर्नमेंट में जितने बंदे हैं उनको देखा जाए तो उनकी अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ना ही किसी तरह का उनको सपोर्ट किया जा रहा है। बस उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो हो चुका है। तो यहाँ पर मैं उनको बता दूं, अगर वो किसी चीज से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस पर 101% ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की। तो मैं बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको क्या है कि अगर कॉलेज खुलेगा उनका मोस्ट प्रोबेबली मिड नवंबर से, क्या पता उनके कॉलेज खुल जाए। लेकिन यार मैं आपको बता दूं, जो आपके कॉलेज खुलेंगे उसमें काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी होंगी। जैसे कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका यार बताया गया, यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा कि उनका जो विंटर है और समर वेकेशन को सारा का सारा खत्म कर दिया जाएगा। और सुनने में ये आया है कि जो क्लासेस होती है, वैसे अभी के टाइम पे जो क्लासेस होती है हमारी 5 डेज लगती है वीक में, लेकिन वहां पर देखने को मिलेगा आपको 6 डेज इन अ वीक। तो यार काफी ज्यादा चैलेंजेस आपके लिए भी होगा और आपका सिलेबस भी काफी ज्यादा वॉस्ट होता है, तो आपको जल्दी जल्दी करवाया जाए। और यहाँ पर कंक्लूजन निकल के ये आता है कि मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके कॉलेजेस मिड नवंबर में खुलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि आपके कॉलेजेस खुल ही जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है काफी कि आपके कॉलेजेस खुल जाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना। और सपोर्ट कैसे करना है, आपको बस सब्सक्राइब करना है। और यार अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो 100% आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।